आज हम बताएंगे अवकल समीकरण। इस अवकल समीकरण में प्रश्नावली है 9.6 भाग 2। ये भाग 2 बनाया जा रहा है। इसके पहले मैंने 9.6 का भाग 1 बना दिया था, जो कि अभी आप देख चुके होंगे। तो उसमें मैंने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, जो कि बहुत ही सरल तरीके से। लेकिन आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 17। इस टोटल इतने क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, तो 11 से 17 को जोड़ लीजिए, जितने भी क्वेश्चन हैं 7 क्वेश्चन, मैं यहां से बताकर 7 क्वेश्चन को आज कंप्लीट करूंगा। तो चलिए देखिए कैसे लगाया जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन है y dx plus x minus y का होल स्क्वायर dy is equal to 0। ये तो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, हमें क्या करना है कि या तो dy by dx बनाइए या तो dx upon dy बनाइए। दो कंडीशन है, पहला या तो dy by dx बना के हल करिए या तो dx upon dy बना के हल कीजिए। इन दोनों कंडीशनों को मैंने भाग 1 में बना दिया था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो पहला कंडीशन है, इसको मैंने 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट करके बता दिया। लेकिन आज शुरू करेंगे सेकंड। इन सभी क्वेश्चनों में 11 से 17 में हम सेकंड विधि अपनाकर बताएंगे कि इसको कैसे लगाते हैं। क्या करेंगे, y से सभी में भाग देंगे, तो हो जाएगा डी एक्स प्लस, इधर तो y कट जाएगा, इधर बचेगा x अपन y। एक बार y इसमें भाग देंगे और एक बार इसमें भाग देंगे, ये हो गया। और हमें क्या करना है, हम यहां पे लिख लेते हैं y dy से भाग। हम भाग किसके देंगे, y dy से भाग देंगे। तो यहां पे हो जाएगा y से कट जाएगा, dy से भी भाग देंगे, तो ये हो जाएगा dx अपन dy। और यहां पे ये इससे भाग दे दिया गया, ये इसमें भाग दे दिया, और dy से dy कैंसिल, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके बाद समझिए, dx अपन dy प्लस x अपन y कर सकते हैं, x अपन y माइनस y जो है उसको हम भेज देंगे उस साइड, तो ये हो जाएगा y। ठीक है, करने के बाद अब हमें तुलना करना है dx अपन dy प्लस p1y। अब यहाँ पे p1 x यूज करेंगे, इज इक्वल टू q से तुलना। अब इससे तुलना करके हम निकालेंगे, तो हमें p1 इज इक्वल टू मिल रहा है 1/y। एक्स तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमें क्या मिल रहा है, p1 बराबर मिल रहा है 1/y। ठीक, और q बराबर क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। तो इन दोनों को लेकर हम हल करेंगे। अब हम निकालेंगे i और f की वैल्यू। ठीक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, e के पावर इंटीग्रेशन 1/y dy, या 1/y का होता है log y, तो ये हो गया log y। तो आपको पता है e पावर log के रूप में जो भी एंगल होगा उस एंगल को हम लेते हैं, तो i f की वैल्यू हो गया केवल y। ठीक, अब इसके बाद थर्ड जो तीसरा स्टेप है उस स्टेप को अपनाएंगे। तीसरा स्टेप ये है कि x i f की वैल्यू फिर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू y इंटू इसकी वैल्यू इंटू वाई, ये हो गया dy। ठीक, अब इसको हल करेंगे, ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर dy। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y पावर 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक, यहाँ तक तो हो गया, y से y आप कैंसिल भी कर दीजिए, यहाँ से y कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा x बराबर y बाई वाई स्क्वायर बाई 3 और ये प्लस c। y से y कैंसिल, एक बार इसमें भाग देंगे, अब प्लस c भी तो यहाँ पे जोड़ेंगे, इसमें भाग देंगे प्लस c भी जोड़ेंगे, तो c बाई y भी हो जाएगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है x प्लस 3 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, पहले डी एक्स को हम इसमें गुणा करेंगे, फिर डी वाई को उसके नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, वाई के साथ डी एक्स का गुणा कर दिया और डी वाई को नीचे भेज दिया। ठीक है, ये करने के बाद क्या करना है, हमें इस एक्स को भी इस साइड भेज देना है। तो जो एक्स को इस साइड भेजेंगे, इन दोनों को हम इस साइड लेकर चले आते हैं, ये हो जाएगा वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, और एक्स को भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू, बचेगा 3 वाई
स्क्वायर। ठीक, इस तरह से करने के बाद y से हम सभी में भाग देंगे, y से भाग देने पर दोनों पक्षों में देना है तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वन अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई। ये मिल चुका। अब ये मिलने के बाद हमें वही चीजें फिर से पहला स्टेप अपनाना है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन से तुलना। अब इससे हम तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा पी वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वाई और क्यू वन इज इक्वल टू थ्री वाई। इन दोनों के अनुसार हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। तो सेकेंड स्टेप हमारा है आई एफ को ज्ञात करना। तो आई एफ को कैसे ज्ञात करेंगे, आई एफ के लिए ई के पावर इंटीग्रेशन पी वन है ना, तो माइनस वन अपन वाई डी वाई, वन अपन वाई का होता है लॉग, तो लिखेंगे माइनस लॉग वाई, ये हो गया। तो यहाँ पे हमें लॉग तो मिल रहा है लेकिन उसके साथ साथ माइनस मिल रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे माइनस को ऊपर भेज देंगे, मतलब इस माइनस को हम इसके ऊपर भेज देंगे, क्या मिलेगा, क्योंकि लॉग में जो आगे होता है वो पावर में भेजा जाता है, तो ई के पावर लॉग वाई का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाई को इनवर्स को भेजेंगे नीचे तो ये हो जाएगा ई के पावर लॉग वन अपन वाई। ठीक, अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ई के पावर लॉग का जो एंगल है उस एंगल को ले सकते हैं, तो आई एफ की वैल्यू हो गया वन अपन वाई। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे, एक्स इंटू वन अपन वाई इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू है थ्री वाई इंटू वन अपन वाई, इसकी वैल्यू ये हो गया डी वाई। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं तो वाई से वाई तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, केवल थ्री बचा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू ये हो गया एक्स बटे वाई इज इक्वल टू थ्री, तो बाहर हो जाएगा, बचेगा केवल डी वाई, तो डी वाई का होता है केवल वाई। ठीक, अब इस वाई को गुणा करेंगे, वाई को यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई सी, ये हमें ये मिल जाएगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से थोड़ा सा चेंज हो गया है, दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो इसमें इसका जो प्रतिबंध संतुष्ट करने का मतलब ये होता है कि इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन निकाला था उसमें लास्ट में हल करने के बाद प्लस सी लगाते थे, सभी को हल करने के बाद प्लस सी लगाते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले हल में आपको उसी सी की वैल्यू ज्ञात करना है इन दोनों की मदद से, उसके बाद उसी सी की वैल्यू रख लीजिए, आपका आंसर हो गया। बाकी प्रोसेस ऊपर का वही रहेगा जो आप इसके पहले क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो चलिए इसको हम लगा के बताते हैं कि किस प्रकार से लगाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा dy वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे दिख रहा है dy वाई बाई डी एक्स, साथ में ये चीज़ें भी मौजूद है। ठीक, तो हम करेंगे dy वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया, लेने के बाद तुरंत इसको तुलना करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ये हमें y भी मिल गया यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स भी मिल चुका है, तो लिखेंगे dy वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो मिल जाएगा p बराबर टू टेन एक्स, ये हो गया, और q बराबर साइन एक्स, ये चीजें हमें मिल चुका। अब इन दोनों की मदद से हमें निकालना है आई एफ की वैल्यू इज इक्वल टू e के पावर इंटीग्रेशन टू टेन एक्स डी एक्स। ठीक, तो हम टू टेन एक्स डी एक्स को पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, टू तो बाहर कर लेंगे, और टेन एक्स डी एक्स का होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, ये हो गया इंटीग्रेशन, और इसको हम रखेंगे किसके पावर, या तो आप ये जो माइनस है इस माइनस को हम उठा के ऊपर रख लेते हैं, माइनस टू जो है लॉग के इसके पावर रख लेते हैं तो भी सरल हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो माइनस है इस माइनस को भी लगा लेते हैं। ठीक, अब इस माइनस जो कॉस स्क्वायर है लेकिन माइनस में, उसको नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा लॉग
वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये टोटल वैल्यू हमें पुट करना है कहाँ पे, ई के पावर पे, क्योंकि मैं यही इंटीग्रेशन किया हूँ सारा का सारा, तो वही चीज़ें रख लेना है। तो आई एफ इज इक्वल टू ई के पावर लॉग वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो ई के पावर लॉग का जो एंगल होता है, ये एंगल है, तो वो एंगल हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आई एफ इज इक्वल टू वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स, ये आई एफ की वैल्यू हमें मिल चुका है। फिर आगे देखिए, आगे हमें करना है वाई इंटू आई एफ की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू है साइन एक्स इंटू वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका हमें इंटीग्रेशन कर लेना है, सिंपल तरीके से आ जाएगा। अब आगे हल करने के लिए हम करेंगे वाई इंटू, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए एक कॉस यहाँ पे दो बार है, स्क्वायर है तो दो बार है, एक कॉस इसको हम दे देंगे तो साइन बटे कॉस बराबर टेन एक्स इंटू एक कॉस यहाँ पे बचेगा तो वन अपान कॉस इज इक्वल टू सेक एक्स और ये हो गया डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन भी आराम से हो जाएगा, तो सेक एक्स टेन एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है केवल सेक एक्स। तो आगे कर लेते हैं, तो ये मैंने इसका इंटीग्रेशन कर लिया सेक एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इतना करने के बाद हमें वही दो कंडीशन अपनाना है जो हमें दिया गया है। दिया गया था x बराबर पाई बाई थ्री और y बराबर जीरो रखने पर, ये दोनों अगर रखेंगे तो हमें c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम c की वैल्यू प्राप्त करने के लिए रखेंगे तो y की वैल्यू जीरो है तो ये टोटल जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू सेक पाई बाई थ्री अब प्लस c। तो सेक पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती है, सेक पाई बाई थ्री की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो वो होती है टू, तो ये हो जाएगा टू है ना। तो c की वैल्यू जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा माइनस टू। c की वैल्यू जब हमें पता हो जाता है तो इसको हम उठा के इसमें रख लेंगे ताकि हमारा अभीष्ट हल प्राप्त हो जाए। तो लिखेंगे y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x माइनस टू। तो ये चीज़ें जो हमें मिला है ये हो जाएगा इसका अभीष्ट हल। या तो sec के ही रूप में रहने दीजिए या तो इसको cos के रूप में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। cos के रूप में कैसे करेंगे ये समझिए, इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको चेंज करेंगे तो ये कॉस के रूप में भी चेंज हो जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन लिखा गया है तो हमें सबसे पहले dy बाई dx बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सभी में भाग देंगे इससे वन प्लस एक्स स्क्वायर से। तो पहले में भाग देंगे तो हमें केवल मिल जाएगा dy बाई dx। अब दूसरे में भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरे में भाग देंगे तो मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मिल गया। अब यहाँ पे करने के बाद हम यहाँ पे तुलना भी कर सकते हैं, तो चलिए डायरेक्ट तुलना करते हैं। dy by dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू से तुलना, ठीक है। अब इससे तुलना करेंगे तो हमें p की वैल्यू क्या मिलेगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों की मदद से हम याद करेंगे आई एफ की वैल्यू जो होता है e की पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन p dx या 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन करके हम दिखाते हैं। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि अपनाना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे 2x dx दिख रहा है तो वो dt हम यूज कर लेंगे, ठीक। तो पुट करते हैं वैल्यू, तो ऊपर हो जाएगा dt और नीचे मैंने मान लिया है t, तो ये हो गया t। तो 1 अपॉन t इज इक्वल टू होता है log t, ठीक, ये हो गया log t। अब log के बाद t की वैल्यू पुट करेंगे तो log t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका समाकलन। अब ये आई एफ बराबर जब फाइनल निकालेंगे तो e के पावर log 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है कि लॉग का जो एंगल होता है उसको यूज करते हैं, आई एफ इज इक्वल टू 1 + x² ये हो गया आई एफ की वैल्यू। इसके बाद लास्ट स्टेप आते हैं, तो y इंटू आई एफ की वैल्यू है 1 + x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू हमें यहाँ पे यूज करना है। तो q की वैल्यू क्या मैंने निकाला था, वो था 1/1 + x² का होल स्क्वायर इंटू ये वैल्यू 1 + x² और ये टोटल का dx। अब देखिए ये होल स्क्वायर है तो एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा वाई 1 + x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे होगा ये समझिए। देखिए इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट दिख रहा है 1 + x² का tan इनवर्स होता है, साफ ही दिख रहा है एकदम, तो इसको हम कर सकते हैं y 1 + x² इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स x और ये प्लस c यूज कर लेंगे। इतना करने के बाद c की वैल्यू हमें ज्ञात करना होता है, तो c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें जो मान दिया गया है कि x बराबर 1 यूज कीजिए और y बराबर 0 ये क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, तो यही वैल्यू हम पुट करेंगे, y के स्थान पे 0 x के स्थान पे 1 यूज करेंगे। तो इधर तो हो जाएगा 0, ये हो गया 0, इधर tan इनवर्स x की वैल्यू 1 प्लस c, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होता है कितना, π/4 होता है, तो यूज करेंगे π/4 प्लस c, तो c बराबर -π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा हम यहाँ पे पुट करेंगे y 1 + x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये हो गया। अब प्लस, अब यहाँ पे c दिख रहा है, c की वैल्यू है यहाँ पे माइनस में है, तो ये माइनस हो जाएगा π/4, यही हमारा हो जाएगा हल, यही इतना करना था हमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है जो, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि हमें तुलना करके ही निकालना लेना पड़ेगा, कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। तो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से तुलना, हम इससे डायरेक्ट तुलना करके निकाल लेते हैं। p की वैल्यू क्या मिलेगा, -3 cot x मिलेगा, ये हो गया इज इक्वल टू q की वैल्यू है sin 2x। यहां तक करने के बाद इन दोनों की मदद से हमें निकालना है i f की वैल्यू, ये हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन -3 cot x हो गया। अब cot x का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो cot x का इंटीग्रेशन होता है तो वो हम यूज कर लेते हैं, -3 तो बाहर रहेगा। अब cot x का होता है log sin x, ये टोटल किस पे है, e के पावर पे है, तो ये हो गया e के पावर। ठीक, इस -3 को हम क्या करेंगे, इसके पावर में बनाएंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं e के पावर log sin के पावर हो जाएगा sin⁻¹। इसको हम नीचे भेजेंगे, जब इसको नीचे भेजेंगे तो वो हो जाएगा 1/2, तो यहाँ लिख सकते हैं e के पावर log 1/2 भेजेंगे तो डायरेक्ट इसको कोसेक में भी चेंज कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा cosec⁻³x। अब यहाँ पे हमें log का जो एंगल दिख रहा है वो दिख रहा है cosec⁻³x, ये दिख रहा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आई एफ इज इक्वल टू cosec⁻³x। ठीक है, आई एफ की वैल्यू पता चल गई। अगला स्टेप आइए, y इंटू cosec⁻³x इज इक्वल टू q की वैल्यू पुट करेंगे, q की वैल्यू मैंने क्या निकाला है, q की वैल्यू मैंने निकाला है sin 2x इंटू ये वैल्यू cosec³x और ये टोटल का dx। ठीक है, इतना करने के बाद हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, चलिए देखिए, इसके लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा चेंज, ये हो गया y cosec³x इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि हम कैसे इसको तोड़ मरोड़ देंगे कि हमारा जो फॉर्मूला बना हुआ है इंटीग्रेशन का वो अप्लाई हो सके, ये चीज़ें बनाना पड़ेगा। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू
कॉस एक्स, फिर बचा है कोसेक क्यूब एक्स और ये टोटल का डी एक्स। यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें चेंजेस करना पड़ेगा। कैसे, देखिए हम 2 को बाहर करेंगे इंटीग्रेशन, साइन एक्स यहाँ पे है, ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू, अब इसको लिखेंगे 1 अपान साइन क्यूब एक्स और ये हो गया डी एक्स। ठीक, अब ये साइन क्यूब है तो इसका मतलब एक बार तो इससे कैंसिल हो जाएगा, दो बार बच जाएगा, तो एक बार इसके नीचे भेजेंगे और एक बार छोड़ देंगे, तो क्या होगा वो देखिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन कॉस बट्टे साइन बराबर हो जाएगा कॉट एक्स इंटू, एक साइन बचेगा तो उसको लिखेंगे 1 अपान साइन इज इक्वल टू कोसेक एक्स और ये डी एक्स। तो कोसेक एक्स कॉट एक्स इसका जो फॉर्मूला होता है वो इंटीग्रेशन करेंगे तो मिल जाएगा कोसेक एक्स, माइनस में होता है तो 2 कोसेक एक्स, ये इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके इस साइड क्या था, वाई कोसेक क्यूब एक्स था, ये मैंने यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहीं इतना करने के बाद अब देखिए क्या करना है, हमें केवल y की वैल्यू ज्ञात करना है, तो y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इसको करेंगे डिवाइड, डिवाइड कर सकते हैं तो हो जाएगा y बराबर देखिए ये अगर नीचे भेजेंगे कोसेक क्यूब नीचे भेजेंगे तो एक कोसेक 3 कोसेक से कट जाएगा, बचेगा दो बार, तो हो जाएगा माइनस 2, दो बार बचेगा उसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इसके भी नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा सी, फिर साइन क्यूब है तो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। यहाँ तक हो गया, अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर लेना है। तो हमें जो मान दिया गया था वो है एक्स बराबर पाई बाई 2 और वाई बराबर 2, इसको रखेंगे तो वाई की वैल्यू हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2, पाई बाई 2 की वैल्यू आप जानते ही है, वो रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अब प्लस सी हो गया। अब तो c की वैल्यू ये भेजेंगे इधर तो हो जाएगा 4, मतलब c की वैल्यू 4 आ चुका है। इसी c का वैल्यू हम वहाँ पे उठा के रखेंगे जहाँ से मैंने निकाला था, तो y बराबर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4, ये हो गया c की वैल्यू 4 और साइन क्यूब एक्स, ये इतना आप छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। या तो इस 4x इधर भेज दीजिए, इसको पीछे भेज दीजिए, y बराबर 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका आंसर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में लिखा है मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। तो यहां से यहां तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन इसमें आपको वैसा कुछ नहीं दिखा जो आपको हल करने लायक बनेगा, तो इसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद खुद समझना होगा कि मुझे क्या यूज करना है, क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं पढ़ लेता हूँ, बोला है यदि इस वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई, तो बिंदु क्या है एक्स वाई, ये हमारा एक बिंदु है ठीक, पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो आपको प्रवणता पता है क्या होता है, प्रवणता होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया प्रवणता। उस बिंदु के निर्देशांकों, तो प्रवणता के उस बिंदु का मतलब ये जो बिंदु दिया गया है ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांकों के, ये इसके निर्देशांक है, के बराबर है, निर्देशांकों के योग, योग भी कह रहा है तो वो हम यूज कर लेंगे, तो योग हम करेंगे तो योग हो गया एक्स प्लस वाई, किसके बराबर है, ये प्रवणता के बराबर है। तो मैंने उसी क्वेश्चन के माध्यम से ये निकाल लिया और इसी को सॉल्व करना है ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स होता है तो वाई को यूज करेंगे, अगर ये डी एक्स बाई डी वाई होता तो एक्स को यूज करते हैं, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स ठीक। अब यहां से हम तुलना करेंगे किससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, अब इससे तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा p बराबर -1 और q बराबर x,
तो हम निकालते हैं आई एफ की वैल्यू, ई के पावर इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स, या यहाँ पे हो जाएगा ई के पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो हमें मिल चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें थर्ड स्टेप अपनाना है। तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप था वाई इंटू आई एफ की वैल्यू ई के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू एक्स है इंटू ई के पावर माइनस एक्स और ये टोटल का डी एक्स। तो यहाँ पे ये दोनों जो दिख रहा है ये हमें खंडशः समाकलन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे खंडशः समाकलन करेंगे, लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर। तो चलिए खंडशः समाकलन करते हैं, तो इधर तो छोड़ देते हैं वाई ई पावर माइनस एक्स इजिकल टू, हम यहाँ पे खंडशः समाकलन करेंगे तो इसको प्रथम बनाएंगे इसको सेकंड बनाएंगे, तो प्रथम हो गया द्वितीय का समाकलन, तो e पावर का समाकलन हो जाएगा तो माइनस पहले यूज कर लेते हैं e पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसका समाकलन होता है माइनस e पावर माइनस एक्स क्योंकि ये माइनस है, फिर माइनस x का अवकलन करेंगे वन, फिर माइनस e पावर माइनस एक्स, ये हो गया समाकलन। ठीक, करने के बाद अब इसका फिर से समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स e पावर माइनस एक्स, अब यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा e पावर माइनस एक्स का, फिर से करेंगे समाकलन तो ये हो जाएगा माइनस e पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद इसको माइनस यहाँ पे फिर से भेजेंगे तो माइनस एक्स e पावर माइनस एक्स माइनस e पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये करने के बाद आप माइनस को या तो कॉमन कर लीजिए या तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू रख के c की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अब वो दो मान क्या क्या हैं एक्स वाई के, क्वेश्चन में बोला था वक्र मूल बिंदु से गुजरता है मतलब जीरो जीरो, तो एक्स बराबर जीरो हो जाएगा वाई बराबर भी जीरो, ये हमें बिंदु मिल गया, इसी बिंदु को हमें रखना पड़ेगा कहाँ पे, जो मैंने अभी निकाला था ई पावर माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अब प्लस सी, यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीरो जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, बचेगा माइनस ई पावर माइनस एक्स मिल जाएगा, तो ई पावर माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे मतलब सी की जो वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा वन, इस तरह से हमें सी की वैल्यू मिल चुका। ठीक है, अब सी की वैल्यू हम उठा के इसमें रख लेते हैं, क्या आएगा वाई ई पावर माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अब प्लस सी की वैल्यू वन, ये हो गया सी की वैल्यू वन। ठीक है, अब करने के बाद देखिए क्या करना है, थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, e पावर x को इसमें भी भाग दीजिए इसमें भी भाग दीजिए, या तो दोनों में से कॉमन कीजिए और काट दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे y बराबर e पावर x को हटा देते हैं तो यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स माइनस वन, ये हो गया, और प्लस इसमें भी भाग देंगे तो ये ऊपर जाएगा भाग देने के बाद तो e के पावर केवल x आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम इधर भेजेंगे तो y प्लस एक्स प्लस वन इजिकल टू ई पावर एक्स, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है बिंदु 02 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिणाम से 5 अधिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे बिंदु हमें दे दिया गया है, बिंदु दिया गया है 02, इस 02 का मतलब यह है कि x बराबर 0 दिया है y बराबर 2, ये हमें बिंदु पता चल गया। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा मान लेंगे, माना निर्देशांक, माना निर्देशांक x तथा y है। ठीक, ये जो निर्देशांक बोला है वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांक, तो ये मैंने एक्स वाई मान लिया, निर्देशांकों का योग, तो निर्देशांकों का योग क्या होता है एक्स प्लस वाई हो जाएगा, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता होता है डी वाई बाई डी एक्स के परिणाम, परिणाम का मतलब ये दोनों का परिणाम मिल रहा है से 5 अधिक है, 5 अधिक है,
तो मैंने क्वेश्चन के आधार पर सारा का सारा मैटर बना लिया, बस हल करना है। ठीक है, तो चलिए अब हल करना शुरू करते हैं। जब ये चीज़ें हमें मिल चुका है तो हल करने के लिए तो सभी लोग कर लेंगे, तो वही करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स और वाई को हम इधर भेजेंगे। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। वाई को मैंने इधर भेजा, माइनस में हो गया, फाइव को मैंने इधर भेजा, ये हो गया। ठीक, करने के बाद अब हमें तुलना करना है किससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर। चलिए इससे तुलना करते हैं, जब तुलना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा p बराबर क्या मिलेगा माइनस वन, और q बराबर मिल जाएगा x माइनस फाइव टोटल। तो इन दोनों की मदद से हम आई एफ समाकलन गुणांक ज्ञात करते हैं। तो ये मैंने कर लिया, आई एफ बराबर e के पावर इंटीग्रेशन पी डी एफ, तो हमें इंटीग्रेशन पी डी एफ का मान निकालना है। तो ये हो गया, p की वैल्यू है माइनस वन, तो वन नहीं लिखेंगे, सीधे डी एक्स लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आई एफ की वैल्यू हो गया e के पावर माइनस एक्स। तीसरा स्टेप क्या है, वाई इंटू आई एफ की वैल्यू हो गया इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू है एक्स माइनस टू इंटू ई के पावर माइनस एक्स, और ये टोटल का डी एक्स। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, एक्स माइनस फाइव है, सॉरी एक्स माइनस फाइव, अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे खंडशः समाकलन जब यूज करेंगे तो ये प्रथम बनाएंगे और ये द्वितीय, ये दोनों बना के हम खंडशः समाकलन यहाँ पे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा वाई ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, पहले ये हो जाएगा प्रथम फलन एक्स माइनस फाइव, द्वितीय का समाकलन करेंगे तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स। ये जो माइनस यूज कर रहे हैं ये नीचे माइनस वन होता है लेकिन हम डायरेक्ट माइनस कर दिए हैं। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन, इसका करेंगे अवकलन तो केवल मिल जाएगा वन, फिर इनटू इसका फिर से करेंगे तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स, ये हो गया, और टोटल का डी एक्स। ठीक, करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर भेज देंगे और यहाँ पे ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो वाई ई पावर माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस फाइव ई पावर माइनस एक्स, ये हो गया प्लस, इस माइनस माइनस से प्लस, इंटीग्रेशन बचेगा e के पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, इसके बाद फिर से करेंगे तो यहाँ पे अब फिर से माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस फाइव ई के पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था, e के पावर माइनस एक्स था, तो हम क्या करेंगे सभी में डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो क्या क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा y बराबर माइनस एक्स माइनस फाइव, यहाँ पे ये इससे कैंसिल होगा, पहले डिवाइड करेंगे फिर दूसरे में डिवाइड करेंगे तो वन मिल जाएगा, और तीसरे में डिवाइड करेंगे तो नीचे माइनस एक्स रहेगा, ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया वैल्यू। ठीक, अब हमें वो बिंदु रखना है, बिंदु क्या था, बिंदु हमें दिया गया था क्वेश्चन में एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर टू, इन दोनों बिंदुओं को हम इसमें रख लेते हैं और मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा टू, टू इज इक्वल टू फाइव माइनस वन, ये हो गया, अब प्लस सी। ठीक, इज इक्वल टू सी की वैल्यू जो मिलेगा वो मिल जाएगा माइनस टू, सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, अब इस सी की वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रखेंगे, रख के देखते हैं क्या आ जाता है, तो रखेंगे तो वाई बराबर माइनस एक्स प्लस फाइव माइनस वन और माइनस टू ई पावर एक्स, ये हो गया। अब एक लाइन और हल कर दीजिए, तो वाई बराबर फाइव में से ये वन गया फोर हो जाएगा, तो फोर प्लस में आएगा, प्लस को आगे कर लेते हैं, फिर माइनस एक्स माइनस टू ई पावर माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स नहीं, ये प्लस एक्स है। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा 17 क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा जो कि मैंने 9.6 में बताया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो किसको बनाया जाएगा ये भी आपको बता दें, अगला जो वीडियो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा चैप्टर नंबर 11 और 12 दोनों साथ में बनाया जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इस टाइम को देखते हुए चैप्टर नंबर 11 एक प्रश्नावली डाला जाएगा तो फिर 12 भी एक प्रश्नावली डाला जाएगा, ऐसे अलग अलग दोनों करके हम जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट कर देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।